हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ टेंडर, नोटिस ऑफ इनवाइटिंग टेंडर्स एंड प्रोसीजर ऑफ टेंडर्स। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे। सो बेसिक थिंग जो हमें पता होना चाहिए वो है व्हाट इज़ टेंडर। ठीक है, टेंडर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें जो भी रिक्वायरमेंट रहती हैं, हो सकता है वो रोड वर्क हो या फिर बेसिक कंस्ट्रक्शन हो या किसी रेजिडेंशियल का हो, जनरली तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी हम लोग हमारा प्रोजेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग टेंडर निकालते हैं। टेंडर का मीनिंग ये होता है कि जिसमें हम लोग एक एडवर्टीजमेंट देते हैं एंड सारे उसमें डिटेल्स होते हैं कि हम लोग को कहाँ पर रिक्वायर्ड है, क्या लोकेशन है, क्या प्लेस है, कितना टाइम में हमको कौन सा कंस्ट्रक्शन करना है, और जितना भी जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनके सिग्नेचर्स होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो लाइकवाइज टेंडर एडवर्टाइज़ किया जाता है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का मीनिंग आप लोग जानते ही हैं कि जो भी उस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं उन टेंडर्स के लिए, तो वो लोग उस चीज़ को फिलअप कर सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ सबमिशन मेड बाय प्रोस्पेक्टिव सप्लायर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन टू टेंडर। इट मेक्स एन ऑफर फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। ये गुड्स के लिए हो सकता है, सामान के लिए हो सकता है, या फिर कोई भी सर्विस हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों के लिए हम लोग किसी भी प्रकार का टेंडर निकाल सकते हैं कि जिसमें हम सप्लायर की तरफ से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टेंडर होता है। देन यहाँ पर चार टाइप्स के टेंडर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन टेंडर, नेक्स्ट इज सेलेक्टिव टेंडर, थर्ड इज negotiated tender and fourth one is single stage and two stage tender। तो ये basic four types हैं किसी भी tender के। तो one by one हम इनको देखेंगे कि ये क्या होता है। So first one is open tender। Open tender is nothing but it is the main tendering procedure employed by both the government and private sector। ठीक है, ये जो इस ये normal tender होते हैं ये openly available होते हैं, और इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर वाला भी अप्लाई कर सकता है और गवर्नमेंट वाला भी अप्लाई कर सकता है। नाउ इन ओपन टेंडरिंग इट अलाउज एनीवन टू सबमिट अ टेंडर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विसेज रिक्वायर्ड एंड ऑफर्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सबमिट अ टेंडर। ठीक है, जैसे कि हम लोग नाम से समझ में आ रहा है कि ओपन फॉर ऑल है ये, तो नॉर्मली जो भी प्राइवेट वाला सेक्टर वाला है या फिर गवर्नमेंट वाला, वो लोग सप्लाई करने के लिए टेंडर दे सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल इंसान जो कि सर्विस या गुड्स सप्लाई करता है, वो अपनी हिसाब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेंडर सबमिट कर सकता है। नाउ दिस टाइप ऑफ टेंडर इज़ मोस्ट कॉमन फॉर द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये वाला टाइप का जो टेंडर है वो हमारी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है इसमें बहुत जनरली यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ का बॉन्डेजेस नहीं होते हैं, इट इज़ ओपन टू ऑल, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। देन नेक्स्ट है, ओपन टेंडरिंग प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिशन अमंग सप्लायर्स एंड हैज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर न्यू और इमर्जिंग सप्लायर्स टू ट्राई टू सिक्योर वर्क। ठीक है, नाउ जितने भी सप्लायर्स होते हैं उनके बीच में एक तगड़ा कंपटीशन हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब ओपन टेंडरिंग हो रही है तो गवर्नमेंट वाले भी अप्लाई करेंगे, एक्सपीरियंस्ड वाले लोग अप्लाई करेंगे और नॉन एक्सपीरियंस्ड वाले भी अप्लाई करेंगे। तो सभी प्रकार के लोग इसमें अपना कंपटीशन में उतरते हैं, और उससे क्या होता है कि जो भी नॉर्मल जो भी ओनर है या जो टेंडर प्रोवाइड करता है उसको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो देखता है कि वो जितने भी उसको टेंडर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं उसमें से वो लोग बेस्ट चुन सकते हैं। तो इट इज़ ओपन फॉर ऑल, तो सभी के लिए ये मतलब बहुत पॉजिटिव काम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा एडवांटेजेस है ओपन टेंडर का। नाउ नेक्स्ट, हाउ एवर नॉट ऑल दोज हु बिड मे बी सुटेबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द टेंडर्स। अब ऑब्वियसली बात है कि जब इतने सारे टेंडर्स, इतने सारे लोग टेंडर को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास इवेल्युएट करने के लिए बहुत सारे लोगों का सामान होगा, या कहना चाहिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे। तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है कई बार कि उतने सारे लोगों को छांटना। तो हम लोग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली
इससे सेग्रीगेट कर सकते हैं और उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो भी मतलब जिनके पास कम पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे उन लोग को नेगलेक्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट है सिलेक्टिव टेंडर। जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है, सिलेक्टिव टेंडर मतलब इसमें कुछ अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें दी जाती हैं और पहले से फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं कि अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो ही आप इस टेंडर को अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे सेलेक्टिव टेंडरिंग ओनली अलाउ सप्लायर्स टू सबमिट टेंडर्स बाय इनविटेशन। नाउ ये इनवाइट करेंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी हो सकता है एक्सपीरियंस हो या उस फील्ड में माहिर हो, तो टेंडर उन लोगों तक ही पहुंचता है। नाउ दीज सप्लायर्स आर दोज हु आर नोन बाय देयर ट्रैक रिकॉर्ड टू बी सुटेबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट साइज नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड। नाउ सिलेक्टिव टेंडर्स गिव्स क्लाइंट्स ग्रेटर कॉन्फिडेंस दैट देयर रिक्वायरमेंट्स विल बी सेटिस्फाइड। जब हमें पता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है हो सकता है वो बड़ा हो या फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड चीज़ें हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रेजिडेंशियल या कहना चाहिए किसी कमर्शियल बिल्डिंग को बनाने जा रही हूँ तो मैं उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दे सकती हूँ जिन्होंने अभी तक हाईवे का काम किया है। तो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप सिलेक्टिवली उन लोगों को चुनेंगे, उन लोगों को आप टेंडर देंगे जहाँ पर ऑलरेडी उनका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इतना बड़ा काम कर चुके हैं, उसके जैसा काम कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए इजी होगा उन लोगों से कांटेक्ट करना ताकि हमारा जितना भी काम है वो इजीली एंड स्मूथली हो सके। नाउ इट मे बी पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर स्पेशलिस्ट और कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सुटेबल फर्म्स। हाउ एवर इट कैन एक्सक्लूड स्मॉलर सप्लायर्स और दोज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्व इन अ न्यू मार्केट। सो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो लोग नए हैं इस फील्ड में या फिर जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या जिनकी बड़ी फर्म नहीं है तो वो लोग इन सप्लायर्स से या इन टेंडर्स से अवॉइडेड रहेंगे, वो इस सिलेक्टिव टेंडर को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के टेंडर्स, अगर सिलेक्टिव टेंडर्स है तो सिलेक्टिव टेंडर्स में वो स्पेसिफिकेशंस दे देंगे, फिल्टर्स पहले ही लग जाएगा। सो दैट वॉज योर सेकेंड टाइप ऑफ टेंडर। नाउ थर्ड इज नेगोशिएटेड टेंडर। नेगोशिएटेड टेंडर आर एक्सटेंसिवली यूज इन द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कमेंसिंग फ्रॉम टेंडरिंग टिल डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। नेगोशिएटिंग विद द सिंगल सप्लायर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर हाईली स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉर एक्सटेंडिंग द स्कोप फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट आर रिड्यूस्ड एंड अलाउज अर्ली कॉन्ट्रैक्टर इन्वायरमेंट। सिंस द कॉन्ट्रैक्टर इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टीम एट अ वेरी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट दिस रिजल्ट इन बेटर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। नाउ निगोशिएटेड टेंडर में हम लोग जैसे नाम से ही समझ में आता है कि इसमें निगोशिएशन होता है और जनरली ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही देखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक ही सप्लायर से बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए कि स्पेशलिस्ट हो उस चीज़ का या फिर कहना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जो कि जिससे हम बात कर सकते हैं कि नहीं भैया आपको इतने कॉस्ट कम करना है, आपको इन चीज़ों का रेट कम करना है। तो लाइक वाइज हम लोग उन लोगों से या उन कॉन्ट्रैक्टर्स से नेगोशिएट कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सिंगल स्टेज एंड टू स्टेज टेंडर। तो जब हम पहले देख लेते हैं सिंगल स्टेज टेंडरिंग का। सो इट इज़ यूज व्हेन ऑल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कैलकुलेट अ रियलिस्टिक प्राइस इज अवेलेबल व्हेन टेंडरिंग कमेंसेस। एन इनविटेशन टू टेंडर इज इशूड टू प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स। टेंडर्स आर प्रिपेयर्ड एंड रिटर्न। अ प्रिफर्ड टेंडर इज सेलेक्टेड एंड फॉलोइंग नेगोशिएशन दे मे बी अपॉइंटेड। सो सिंगल स्टेज में क्या होता है कि हम लोग पहले टेंडर निकालते हैं जिसमें कि इनविटेशन उन्हें दिया जाता है कि जो कि नेगोशिएट भी कर सकें और हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। नाउ नेक्स्ट है टू स्टेज टेंडरिंग। इट इज़ यूज टू अलाउ अर्ली अपॉइंटमेंट ऑफ अ सप्लायर prior to the completion of all the information required to enable them to offer a fixed price.
इन द फर्स्ट स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज में ही हम लोग देख लेते हैं कि पहले से सारे प्राइसेस फिक्स हो जाते हैं. डजेंट मैटर कि इसकी आने वाले टाइम में इसकी प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है, तो वो चीज़ें बाद में नहीं देंगे, पहले ये सारी चीज़ें कंक्लूड हो जाती हैं. मतलब बहुत स्टार्टिंग से जब हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तभी ये सारी चीज़ें फिक्स्ड अप हो जाती हैं. सो नाउ इन द फर्स्ट स्टेज अ लिमिटेड अपॉइंटमेंट इज़ अग्रीड टू अलाउ वर्क टू बिगिन एंड इन द सेकेंड स्टेज फिक्स प्राइस इज नेगोशिएटेड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. तो फर्स्ट स्टेज में क्या कर रहे हैं ये लोग, बिल्कुल काम को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, और सेकेंड में वो लोग प्राइस फिक्स्ड कर देते हैं. तो ये दो टाइप के टेंडर्स हो गए हैं. सो अभी हम लोगों ने जितने भी टाइप के टेंडर्स देखे हैं दीज आर द मेन टेंडर्स. अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके अलावा भी कुछ टेंडर्स होते हैं, लाइक अदर टाइप ऑफ टेंडर्स, लाइक इंक्लूड सीरियल टेंडरिंग, फ्रेमवर्क टेंडरिंग एंड पब्लिक प्रोक्रूटमेंट. सीरियल टेंडरिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ टेंडर्स बेस्ड ऑन अ टिपिकल और नेशनल बिल ऑफ क्वान्टिटीज ऑफ और शेड्यूल और वर्क्स. फ्रेमवर्क टेंडरिंग अलाउ द क्लाइंट टू इन्वाइट टेंडर्स फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी कैरिड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ ऑन अ कॉल ऑफ बेसिस एंड वैन बी रिक्वायर्ड. लास्टली पब्लिक प्रोक्रूटमेंट इज फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स हेल्प बाय द गवर्नमेंट. सो दीज आर द सम अदर टेंडरिंग्स विच आर नॉट कॉमन इन आर कंस्ट्रक्शन फील्ड. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को टेंडरिंग में देना होती है, टेंडरिंग नोटिस में, जनरली हम लोग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि टेंडर्स निकलते हैं और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो भी डिपार्टमेंट में टेंडरिंग निकालना है उस डिपार्टमेंट का नाम ऊपर लिखा होता है. देन नेम ऑफ वर्क एंड लोकेशन, वो जो भी काम है, जिस भी प्रकार का काम है, वो कहाँ पर करना है, उसकी लोकेशन क्या है और किस टाइप का काम है. देन नेक्स्ट होता है डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर इनवाइटिंग टेंडर. जो भी ऑफिसर है उस कंपनी का, वो डेजिग्नेशन के साथ अपना नाम नीचे उस टेंडर में देता है. देन लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ टेंडर, मतलब लास्ट डेट वो लोग पहले ही शो कर देते हैं कि इस तारीख तक आपको अपना टेंडर अप्लाई करना है. देन नेक्स्ट है पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स. वो कुछ टाइम देते हैं आपको कि आप अपना जो भी आपका कहना चाहिए टेंडर के डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने के लिए वो लोग कुछ टाइम देते हैं. देन कॉस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, कॉस्ट ऑफ टेंडर का भी वो लोग डॉक्यूमेंट इंक्लोज करते हैं. देन टाइप ऑफ कंप्लीशन एंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ कंप्लीशन भी बता देते हैं कि इतने इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना ही है और किस टाइप का वो कॉन्ट्रैक्ट है. देन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट टू बी पेड, ये स्टार्टिंग में ही पे करवा लेते हैं कुछ पैसे कि भैया आप लोग जो भी अर्नेस्ट मनी आएगा उसमें से आपको कुछ डिपॉजिट करना है. देन डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ ओपनिंग द टेंडर. कई बार ऐसा होता है कि टेंडर्स किसी स्पेसिफिक जगह में होते हैं तो फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ता है, तो उसके लिए डेट टाइम एंड प्लेस प्रोवाइड कर दिया जाता है. देन लास्टली डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर ओपनिंग द टेंडर, जो भी व्यक्ति उस कंपनी का टेंडर को ओपन कर रहा है उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है. देन प्रोसीजर फॉर इनवाइटिंग द टेंडर्स, तो टेंडर्स को जो हम लोग इनवाइट करते हैं वो उसका कुछ छोटा सा प्रोसीजर है विच हैज़ 4 स्टेप्स. तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, सबसे पहले वो लोग आपको क्या करना होता है कि आपको टेंडर्स जो भी आपको देना है उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो इनक्लोज करना है. देन क्या होता है, इश्यू ऑफ नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और टेंडर कॉल नोटिस. टेंडर कॉल नोटिस को आपको क्या करना होता है, एक इश्यू करवाना होता है आपकी कंपनी के अंदर. देन सबमिशन एंड ओपनिंग ऑफ टेंडर एंड देयर स्क्रूटनी. तो क्या होता है कि आप पहले सबमिट करते हैं आपने जो भी टेंडर बनाया है और उस टेंडर की स्क्रूटनी होती है कि देखा जाता है, क्रॉस चेक किया जाता है कि आपने सही तरीके से हर चीज़ लिखी है कि नहीं, हर चीज़ मेंशन की है या नहीं, कि बाद में उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए. देन लास्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो जिसको भी आपने टेंडर एक्सेप्ट किया है, जिसका भी और जिसको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, उनका हम लोग लिस्ट बना लेते हैं. सो दीज वर दी फ्यू बेसिक नॉलेज अबाउट दी टेंडर्स एंड देयर टाइप्स एंड हाउ द प्रोसीजर आर बीइंग इन टेंडर्स.
सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. तो काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.